हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, तो देखिए मैं इसमें क्या क्या करके दिखाती हूँ आपको। एक छोटा सा व्लॉग है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मॉर्निंग का टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। है तो नॉर्मल सब्ज़ी ही, आलू गोभी है, गोभी थोड़ा सा है और आलू को पतला पतला कट लगा लिए हैं और प्याज दे दिए हैं, दो प्याज बड़े बड़े, और एक कढ़ाई में तेल दे दिए, उसमें मेथी दे दी है। मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने में ठीक भी रहता है। मेथी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, उसके बाद अनियन डाल देते हैं। अनियन डाल के फिर बनाऊंगी, फिर ये बहुत अच्छा सब्ज़ी बनता है, टेस्टी रहता है। और इसमें नमक टेस्ट अकॉर्डिंग दे देते हैं तो अनियन जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। और मैं सोची कि अब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर और कुछ काम जो रहेगा किचन के बाद करती हूँ, क्योंकि ठंडे के मौसम में तो खाना पीना बन जाता है, उसके बाद तो एक्स्ट्रा काम तो कुछ भी नहीं हो पाता है, इतना ना ज़्यादा ठंड करता है। तो मैं ये सब्ज़ी बना लूँगी और उधर चाय पहले बना ली थी, चाय दे दिए हैं हस्बैंड को, मैं भी चाय पी ली, बच्चे तो भी सोए हुए हैं। और इसमें थोड़ा सा बेसन देते हैं, बेसन से बहुत अच्छा सब्ज़ी बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ग्रेवी भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा जैसा रहता है। प्याज के साथ ही इसको भून लेते हैं, तो ये अच्छा से भून जाएगा तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें एक टेबल स्पून घी दे दिए हैं, घी से भी टेस्ट ठीक आएगा। और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं, बेसन भी साथ में भून जाएगा। और हल्दी देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग, और जो नॉर्मल मसाले सब्जी में पड़ते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यही सब दे रहे हैं। 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर दिए, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर दिए और 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर। और बेसन भी अच्छा तरह से भून गया है। फिर इसको भून के फिर इसमें थोड़ा सा पानी, पानी ज़्यादा नहीं देंगे तो ग्रेवी गाढ़ा गाढ़ा रहता है, तो गाढ़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। गोभी भी इसी में डाल देते हैं, गोभी थोड़ा सा दिया है और आलू भी साथ में देकर इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फिर भून लेंगे। गरम मसाला लास्ट में देंगे, बंद करने से 2 मिनट पहले दे दूंगी। और इसको ढक के छोड़ दिए, उतना डिटेल से फिर क्या दिखाना। फिर इधर आटा गूँथ लिए और पूरी तल लिए। बच्चे को नाइट में ही पूछी थी कि सुबह में पूरी खाना है ब्रेकफास्ट में, तो बोला हाँ पूरी पसंद है, तो पूरी तल लेते हैं, अच्छा भी लगता है। ड्राई सब्जी या भुजिया रहता है तो उसके साथ खाने में पूरी अच्छा लगता है, ग्रेवी के साथ नहीं ज़्यादा। पूरी सारा बेल के रख लिए हैं और फिर कढ़ाई चढ़ा दिए थे गैस पर, पूरी तल लिए और देखिए ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है। 2 दिन पहले नारियल के लड्डू बनाए थे, वो लड्डू भी दे दिए हैं बच्चे को खाने के लिए। और देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, ग्रेवी भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा जैसा है, ज़्यादा पतला नहीं रखे हैं और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी सब्ज़ी लग रहा है। इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा सब्ज़ी बनेगा। थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें बेसन डाल दीजिएगा भूनने टाइम तो। और देखिए आज मैं फिर सोची कि अब थोड़ा सा टाइम है तो इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो क्लीनिंग नहीं हो पाता है ज़्यादा, बस खाना पीना बन जाता है, उतना ही बहुत काम रहता है। तो ये वार्डरोब है, उसके मिरर को मैं क्लीन कर देती हूँ, ये मिरर क्लीनिंग जेल है, इसी से क्लीन बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक छोटा सा टॉवल ले लिए और टॉवल से उस पर स्प्रे करके इसको क्लीन कर देती हूँ, तो मिरर बहुत अच्छा से क्लीन हो जाएगा, शाइनिंग आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा तो बच्चे कहीं हाथ लगाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, तो मिरर पर करेंगे और पूरे वार्डरोब पर दे देंगे स्प्रे करके, उसको फिर क्लीन कर देंगे टॉवल से। क्योंकि पूरा सर्दी तो बीत गया, तो बस 1 से 2 बार इसको क्लीन किए होंगे, तो मैं सोची कि आज क्लीन कर देते हैं। अब ठंड बहुत कम है, अब धूप एकदम अच्छा निकलने लगा है, तो ऐसा मौसम में थोड़ा थोड़ा काम कुछ करने में अच्छा लगता है। ये हैंडल पर भी थोड़ा कभी हाथ का निशान रह जाता है, बच्चे जो अगर हल्का गीला हाथ भी टच कर देते हैं, तो मैं सोची कि हैंडल पर भी अच्छा से दे के इसको क्लीन कर देते हैं। और इधर टीवी पर भी देते हैं, ये मिरर क्लीनिंग जेल है, तो टीवी पर भी थोड़ा सा स्प्रे करके टीवी पर भी देते हैं, इस पर भी हल्का फल्का निशान से रहता है, वो भी
पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा। टॉवल से इसको चारों साइड से क्लीन कर देती हूँ। गर्मी के मौसम में ज़्यादा डस्ट रहता है, अभी तो ज़्यादा डस्ट नहीं रहता है, अभी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गंदा तो उड़ते ही रहता है। तो इससे साफ़ कर दूँगी तो क्लीन हो जाएगा, तो अच्छी तरह से इसको क्लीन कर देती हूँ। बच्चे तो कभी कभी टीवी पर भी हाथ लगाते हैं, टच करके बोलेंगे ये देखो वो देखो। मैं बोलूँगी कि टच नहीं करो, दूर से ही जो बताना है बताओ। और ये दूसरे रूम में एक बार ड्रॉप है, उस पर भी मैं क्लीन करके दिखाती हूँ। उस रूम में एक कर दिए, एक दूसरे रूम में है, इसमें भी क्लीन कर देती हूँ। मैं सोची कि एक ये है तो दूसरे भी साथ लगा कर देती हूँ साफ। तो इसके मिरर पर भी थोड़ा सा स्प्रे कर दिए हैं और क्लीन कर लेती हूँ। अभी तो सर्दी के मौसम अब जा रही है, ठंड तो कपड़े भी बहुत होंगे फिर रखने के उलन वाले। अब धूप बहुत अच्छा निकलता है, अच्छा लगता है ऐसा मौसम में। इस पर भी थोड़ा थोड़ा देकर क्लीन कर दिया है। अभी बहुत सारा कपड़े धुलने का है, सब धीरे धीरे रखाएगा। लेकिन यहाँ तो होली तक के रहते हैं, ठंडे कम रहेंगे, अभी तो ज़्यादा है लेकिन कम रहेगा उस टाइम भी। तो धीरे धीरे फिर सारे कपड़े भी रखा जाएंगे ठंडा वाला। ये हैंडल पर भी थोड़ा सा दे देते हैं और ये क्लीन हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट बना लिए, बच्चे को ब्रेकफास्ट दे दिए हैं। और उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम था, अभी लंच बनाने का टाइम नहीं था, तो मैं सोची कि क्लीनिंग वाला थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। फिर किचन का क्लीनिंग करना है, चिमनी पर भी बहुत गंदा हो गया है, पूरा सर्दी नहीं किया है। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड बताइएगा कॉमेंट करके, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।